अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज मैं आपको ग्रीन टी, जिसे सब्ज़ चाय भी कहते हैं, के फ़वाद बताऊंगी। ग्रीन टी में बहुत से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। दिफाई निज़ाम बेहतर होने की वजह से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ये जानिए हाउ इट वर्क्स। जो ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं वो फिज़िकली और मेंटली एक्टिव रहते हैं। उनमें दिफाई निज़ाम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत सी बीमारियां जैसा कि कैंसर, अल्जाइमर जिसमें मेमोरी लॉस का खदशा होता है, पार्किंसन डिज़ीज़ जिसमें बॉडी मूवमेंट कंट्रोल में नहीं रहती, इन बीमारियों से बच सकते हैं। ग्रीन टी हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी को कम करती है। ग्रीन टी में भरपूर मकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ग्रीन टी एक स्ट्रेस रिलीवर है। ग्रीन टी पीने वाले डिप्रेशन से दूर रहते हैं। ग्रीन टी में कैटेकिन्स पाए जाते हैं जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। ग्रीन टी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालती है जिस स्किन हेल्दी और ग्लोई हो जाती है। जिन लोगों को एक्ने का इशू है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है जिससे एक्ने रिड्यूस होती है और स्किन क्लियर हो जाती है। ग्रीन टी में मौजूद फ्लेविनॉइड्स मुंह की बदबू को भी ख़त्म करते हैं। ग्रीन टी से टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं और टी एज एंटीवायरल एजेंट वायरल इन्फेक्शन से महफूज रखती है। ग्रीन टी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखती है और डायबिटीज़ के इश्यू से भी बचाती है। बेशक खुशियाँ तो हम ख़रीद नहीं सकते, पर हाँ ग्रीन टी ज़रूर ख़रीद सकते हैं और ये कुछ हद तक एक ही चीज़ है। आपको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी वैल्यूएबल सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।